फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक नॉर्मल सा साइकिल को किस तरीके से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, हमारे पीछे में एक साइकिल लगा हुआ है जिसे बंगाल में इसको बंगला साइकिल बोला करते हैं, और इसका इस्तेमाल मैक्सिमम टाइम हम लोग देखते हैं कि गाँव के लोग इस्तेमाल करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका वर्क हेवी लोड कैरी करने में या कहीं मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करने में गाँव के लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे। तो आज हम दिखाने वाले हैं इस साइकिल को किस तरीके से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेंगे जिससे कि लोगों को चलाने में आराम हो। तो इसमें यूज़ होने वाला पार्ट्स उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे, और वो भी बताएंगे इसको किस तरीके से उसमें इंस्टॉल करते हैं। आप अपने घर पे इस किट को अगर ले लें तो किस तरीके से उसको आप इंस्टॉल करेंगे और ख़ुद से उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कैसे करेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें जिससे आपको हर एक स्टेप पता चल सके। अगर आप हमारे चैनल फ्लैटिक पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा और नई नई चीज़ों को आपको जानकारी मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं यहाँ पे मोटर का एक किट है, एक लिथियम बैटरी पैक है और एक उसका चार्जर और एक कंट्रोलर बॉक्स। तो ये सारा चीज़ को इस्तेमाल करेंगे हम एक इलेक्ट्रिक साइकिल को बनाने में। देख पा रहे हैं ये लिथियम बैटरी है, ये 24 वोल्ट 12 एम्पीयर की बैटरी पैक है जो कि साइकिल को पावर देती है। दोस्तों, ये है लिथियम चार्जर, लिथियम आयन चार्जर, जो कि इस बैटरी को चार्ज करने के लिए मदद करता है। ये एक्सटर्नल चार्जर है, तो लिथियम को चार्ज करने के लिए स्पेशल लिथियम चार्जर का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ये है हमारा इलेक्ट्रिक साइकिल कन्वर्जन किट जिसे आज हम यूज़ करेंगे अपने साइकिल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस किट के अंदर क्या क्या हमें मिलता है जिससे हम अपने साइकिल में इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारे सामान हमको इस किट के साथ मिलता है, तो एक एक करके आपको मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ इसमें दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं, इसमें ऊपर में आता है एक माउंटिंग प्लेट, ये देख पा रहे हैं ये माउंटिंग प्लेट, ये मोटर को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये फ्रेंड्स मोटर जो कि हम लोग यूज़ करेंगे अपने साइकिल में पावर जनरेट करने के लिए, जो कि इस पे चैन लगेगा इसमें, और इस मोटर का जो कैपेसिटी है 250 वाट की मोटर है, 24 वोल्ट पे ऑपरेट होती है ये। नेक्स्ट हमें मिलता है इस किट के साथ में एक एक्सेलरेटर, और एक्सेलरेटर के साथ में एक मिलता है हॉर्न का स्विच और एक लेफ्ट हैंड का थ्रोटल रेस्ट। नेक्स्ट हमें मिलता है इस किट के साथ ब्रेक लीवर, दो ब्रेक लीवर, और इसमें एक प्लग दिया गया है, इसमें भी एक प्लग दिया गया है जो कि हम कंट्रोलर में कनेक्ट होगा। नेक्स्ट इस किट के साथ मिलता है एक चार्जर जो कि एक एसिड बैटरी का चार्जर है, और इसके साथ में एक कनेक्टर दिया गया है। ये चार्जर एसिड बैटरी को चार्ज करता है, बट हम लोग इस चार्जर को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग इस साइकिल में लिथियम बैटरीज का इस्तेमाल किया है, इसलिए हम लोग सेपरेट लिथियम बैटरी का चार्जर को इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमें मिलता है इस किट के साथ में एक कंट्रोलर, ये 250 वाट का कंट्रोलर है जो कि 24 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। इसमें जो वायर्स दिया गया है, ये वायर रेड एंड ब्लैक कलर का जो वायर है ये बैटरी में कनेक्ट होता है। उसके बाद हमें मिलता है इस कंट्रोलर में ब्लू एंड वाइट कलर का वायर जो कि मोटर में कनेक्ट होता है। उसके बाद हमें मिलता है ब्लू कलर का एक कनेक्टर जिसमें ब्लैक एंड रेड कलर का वायर लगा हुआ है जो कि ब्रेक लाइट में कनेक्ट होता है। उसके बाद हमें मिलता है एक येलो एंड ब्लैक कलर का वायर कनेक्टर, इसमें व्हाइट कलर का कनेक्टर लगा हुआ है, इसको हम लोग ब्रेक में यूज़ करते हैं, ब्रेक के साथ कनेक्ट करते हैं, ब्रेक के वायर के साथ। फिर नेक्स्ट मिलता है मुझे एक ब्लैक कलर का कनेक्टर, और इसमें रेड एंड ब्लैक कलर का वायर लगा हुआ है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं लाइट को कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद हमें मिलता है थ्री वायर प्लग जो कि एक्सेलेरेटर में कनेक्ट होता है, इसमें रेड ब्लैक एंड ब्लू कलर का वायर लगा हुआ है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे एक्सेलेरेटर में कनेक्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट हमें मिलता है रेड कलर का कनेक्टर जिसमें रेड एंड ब्लू कलर का वायर लगा हुआ है, इसका कनेक्शन हम लोग इग्निशन स्विच के ऑन ऑफ स्विच के साथ करेंगे। और फ्रेंड्स, आगे की वीडियो में हम देखेंगे इसका कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, और जो इसका वायरिंग डायग्राम है इस वीडियो में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट हमें मिलता है एक फ्रीव्हील इस किट के साथ में, जो कि एक्स्ट्रा फ्रीव्हील हम लोग अटैच करते हैं साइकिल में मोटर से कनेक्ट करने के लिए, और उसके साथ में एक मिलता है चैन जो कि चैन मोटर से इस फ्रीव्हील को कनेक्ट करेगा। और फ्रेंड्स, इस किट के साथ में एक हमें मिलता है एक हब, ये हब कनेक्ट करता है दो फ्रीव्हील को एक साथ। तो इस हब को देख पा रहे हैं आप, इसमें एक रिंग दिया गया है और एक थ्रेड दिया गया है, और इस थ्रेड के बीचों बीच में इस रिंग को लगा करके हम लोग दो फ्रीव्हील को अटैच करेंगे। बस
और फ्रेंड्स ये जो आप हब देख पा रहे हैं, इस हब की मदद से हम लोग दो फ्री व्हील को लगाएंगे, हाफ लेफ्ट साइड में और हाफ राइट साइड में, दो फ्री व्हील को अटैच करके साइकिल के व्हील के साथ अटैच करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड एक एक्सल जो कि इस किट के साथ में दिया जाता है। ये एक्सल साइज में बड़ा होता है एग्जिस्टिंग साइकिल के एक्सल से। इसका हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ता है साइकिल में मोटर के रिप्लेसमेंट के लिए। मोटर से जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो उस वक्त एक्सल जो पुराना एक्सल है वो छोटा पड़ जाता है, तो इस एक्सल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमें मिलता है एक इग्निशन की जो कि साइकिल में ऑन ऑफ का काम करती है। ये देखिए इस तरीके से ऑन ऑफ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ नट एंड बोल्ट्स एंड कनेक्टर्स जो कि मोटर के प्लेट को मोटर से कनेक्ट करती है और मोटर को साइकिल से कनेक्ट करती है। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हैं यहाँ पे सारा किट्स रखा हुआ है। ये सारा किट्स मुझे इलेक्ट्रिक साइकिल कन्वर्जन किट के पैक के साथ मिलता है और ये सारे किट के हेल्प से हम लोग अपने साइकिल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ये सारे पार्ट्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप एलिशिया मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट का डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप एलिशिया मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को कॉन्टैक्ट करके किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड पार्ट्स या उसके रिलेटेड कोई भी पार्ट्स को खरीदना चाहते हैं तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे हैं एक तार है, और ये वाला जो तार देख पा रहे हैं ये एक्सीलेटर से आया हुआ तार है, और इसमें दो प्लग निकला है, एक एक्सीलेटर के लिए और एक हॉर्न के लिए। और जो ये हेडलाइट देख पा रहे हैं यहाँ पे, वाइट कलर का हेडलाइट है, इस हेडलाइट से भी दो तार आता है। तो ये तार जो देख पा रहे हैं, ये तार जो छोटी वाली तार है, ये हमारा हेडलाइट का तार है, ये हॉर्न का तार है, जिसको अगर हम हॉर्न से स्विच से कनेक्ट कर दें, इसको अगर हम शॉर्ट करते हैं तो हॉर्न बजेगा। इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस वाले तार में जो येलो वाला तार है इसको कट कर देंगे, और ये दोनों तार को स्विच से कनेक्ट कर देंगे, ग्रीन वाला स्विच जो एक्सीलेटर में दिया होता है, जिससे कि उस स्विच को अगर हम प्रेस करते हैं तो इसका हॉर्न बजेगा। और बाकी का ये तार जो वापस इस प्लग तक आया है, ये प्लग तक, इस प्लग को हम लोग कनेक्ट कर देंगे इग्निशन की, मतलब कि जो जहाँ पर चाबी लगेगा उस वाले प्लग से इसको कनेक्ट कर देंगे, और यहीं से हम लोग चाबी का कनेक्शन ले लेंगे, जो कि साइकिल में इस हेडलाइट के जस्ट बगल में इंस्टॉल करेंगे चाबी को यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये इग्निशन का तार है, इग्निशन का तार को स्विच जो ऑन ऑफ करते हैं उसको हमने एक्सटेंड कर लिया है, और एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे से जो हॉर्न का तार जो नीचे तक जाता है कंट्रोलर के पास में, उस कंट्रोलर वाले कनेक्शंस में ही हम लोग इसको बीच से कट कर दिए हैं, और इस वाले को हॉर्न से कनेक्ट कर दिए स्विच को, और जो बाकी का दो तार है, जो प्लग वाला तार बचा है, इसको इग्निशन से कनेक्ट कर देंगे, ताकि हमारा इग्निशन डायरेक्ट कंट्रोलर से कनेक्ट हो सके, मतलब कि जो चाबी है हमारा वो कंट्रोलर से डायरेक्ट कनेक्ट हो सके। तो इसको हम लोग यहाँ पे अभी जोड़ देते हैं। फ्रेंड्स ये है कंट्रोलर बॉक्स, और इसके अंदर हमने कंट्रोलर को फिक्स कर दिया है, और देख पा रहे हैं यहाँ पे ये तार मोटर के लिए जो जाता है, ये तार को हमने इसके अंदर कनेक्शन डायग्राम के हिसाब से इसको कनेक्ट कर दिया है, और ये है बैटरी का वायर जो कंट्रोलर से बाहर निकलता है और ये बैटरी को कनेक्ट होगा। और यहाँ पर जो तार देख रहे हैं, ये सारा तार कनेक्शन कर दिया गया है डायग्राम के अकॉर्डिंग, अब इसको हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। फिक्स करना बहुत ही सिंपल है। तो इस दोनों XT60 के प्लग को हम लोग कनेक्ट कर देंगे। इसको कनेक्ट करते ही ये एक कनेक्शन इस वाले में आ चुका है। अब इसमें जब कनेक्शन आ चुका है तो ये वाले पिन में प्लस माइनस का कनेक्शन किया हुआ है, तो इसमें हम हालों के इस बैटरी बॉक्स को अब इसमें इंस्टॉल करेंगे। ये रहा हमारा बैटरी पैक। इस बैटरी हार्ड केसिंग को इसके ऊपर रख करके बहुत ही ईजिली इसको लगाया जाता है। आप इसको ऐसे रखें, और रखने के बाद एक स्लाइड के बाद ये इसमें फिक्स हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये इसमें फिक्स हो गया है। ये इसका चाबी, इससे अब इस साइकिल को ऑन करके दिखा दे रहे हैं। देखिए इसमें पावर आ गया है।